एवरीवन, मैं हूं श्वेता, मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। पार्ट 3 एपिसोड 1 सुनो चंदा। अरे देखना है मेरे को भी, चलो देखते। सुनो चंदा है, चंदा है, सुनो चंदा। ये जल्दी ले लेते, हम गए उठा लेते। क्या हुआ? रात में क्या खा के असर आया? ऐसे तुमने सुबह सुबह अपना मुंह इतना क्यों लटका कर रखा? हाँ, सुना तो पे आ रहे हैं पसावर से। हाँ, तो वो कौन सा पहली दफा आ रही है? हर साल वो एक दिन ही तो करती है। लेकिन इस बार तो मेरी और अक्सर की रुखसती की डेट फिक्स करने आ रही है। वो रुखसती करवा के जाएंगे। सच बताओ, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ दे तूने मुझे। तुम्हारे अच्छे न्यूज़ है, मेरे लिए नहीं है माँ। यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है माँ, और तुम जानते हो उसका नाम है अरसल। तो ये बात तुम मुझे नहीं, जाकर अपनी बीजान को बताओ। नहीं सुनती हो किसी की बात। हम सब जानते हैं ये उनकी और दादी की साजिश का नतीजा है। यार वैसे एक बात कहूँ तो वो इतना बुरा तो नहीं है, अच्छा खासा लड़की है। मुझे तुम मीटिंग मत नहीं पसंद है माँ। अच्छा, तो कैसे मत पसंद है जहाँ आपको? हाँ, अच्छा नहीं बताओ। हाँ, शादी कर लो, सब तो कर लो, मैं कर लूँ, सब शादी कराओ, बहुत कराओगे। वो भाई, हर खुशी के मौके पर रंग में फल डालना तो फर्ज है जलाल खान का। अब तो मान गए हो, अब मानने का क्या कारण? मगर खैर, तुम भी जरा ख्याल रखना कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे भी वो है। वो कौन? दानियल को जिसने फंसाया था वही है। आराम से खवातीन का सवाल है। कितना पैसा? 500 रुपये। 500 रुपये? साजी आपने गैस समूह खोला है, जैसे मैंने खुदा ने खासा 500 की जगह 5000 मांग दिया। खुदा का खौफ करो, जोर का उलाद। तुम क्या हमको पिकावा से कराची अपनी टैक्सी में लाए? साजी जितना तुम्हारा सामान है ना, ये मेरा टैक्सी का हिम्मत है, वरना तुम्हें इस सामान के लिए खुदा न खासा ट्रक करना पड़ता। खुदा खोर का उलाद। 350 रुपया पकड़ो और अपने शक्ल गुम करो। साजी जिसने भी गुलखान का हक खाया ना, वो खुदा न खासा कभी बच्चा नहीं है। बच्चे करा बड़ा है गुलखान का औलाद। जाओ शक्ल गुम करो अपना। मुझे क्यों ऐसे देख रहे? मैंने कोई कमीशन रखी हुई टैक्सी वाले के साथ? अरे जैसे तुम्हारा खानदान के घर में कदम रखो, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। अब प्लीज ये नफा नुकसान की बात आप अंदर कीजिएगा। चलो अंदर प्लीज। वाह भाई वाह, अभी नानी के घर में कदम नहीं रखा और मेंढकी को भी जुकाम हो गया। सही है भाई, सही है। जिसका माँ ने हमारी इज्जत नहीं किया, वो बेटी क्या खाक करेगी? ना, अच्छा कहने देना, खाम का चुप पड़ जाएगी। अंदर जाके असल को बुला लाती है। समझे लाला? जा। चलो अंदर, चल। ये सामान ले जाएगा तो मेरे को लग रहा है। हाँ, बड़ा कदर तो पैसा पूरा नहीं देता मेरे को है। गया सवाल। खुदा ना खास्ता क्या हो गया? वो मुसलमा आ गई है सपा लेकर अपनी बेटी चिंता और अपने भाईचान के साथ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ भाभी, अभी से मेरी बात सुन ले। इस सपा सारे कामों में बारियां लगेगी सबके। हाय हाय, मैं नहीं लगती उसके मुँह का, तो मेरा पहले ही लटकते का बैर है। जाती है वैसे भाभी, बहुत जाती है। पिछले रमजान में याद है, इफ्तारी और सैरी के बर्तन धो के मेरे हाथ घिस गए थे। कितनी देगे तुमने चमकाई है, मुझे भी तो पता लगे। कैसी है आप? अभी मैं भाभी आपकी तारीफ कर रहे थे। तुम लोग अपने हिजरे से बाहर निकलो तो पता चले ना। जलाल इतने नाराज हो रहे, कोई उनको सलाम करने नहीं आया ना। क्यों? मैं तो नीमा को लेने के लिए फाइटर सलाम करके आ गई। हाय अल्लाह, ये क्या तरीका है दानियाल? on news KD कहानी रोजगार चलाए पप्पा और मासूमा पप्पा का सारा सामान नामालूम अफराद लेके चले गए। हाय मिला मेरे कश्मीरी डाले का सूट वो तान के फोन लगा और वो स्लीप करते। हाय मिला जलाल हाय हाय आप लोग ने लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हो डालो बस अपा पैर गया ना नमक बेटा भूल गया वो की करिए केजा मेरी जान डो हरी रोना बंद करो ये नो पानी पिए ठीक है सामान मिल जाएगा फिक्र नहीं करो बाबा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तो आए हैं लेकिन मैंने पुप्पी को भी देखा उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया इतने सारे गिफ्ट लेके ना तुम लोगों के लिए और बैठे बिठाए नुकसान हो गया। जिया ये मेरी जरा शर्ट मैं बिजी हूँ। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ रही हो तुम? पहाड़ तो नहीं तोड़ रही लेकिन मैं फिर भी बिजी हूँ और आपको जल्दी है तो जाओ जाके टाइगर को लास्ट में से कह दो। चलो मैं कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मैं माँ और तुम इस काम नहीं 5 मिनट का काम नहीं है जिया बिजी है मैं तो फिर थैंक यू काम चल खुद होगी ओके मेरे को तो यहाँ कुछ लग रहा है तो आपकी और जिया की अभी तक नहीं बनी अब ऐसा क्या होगा मतलब आप तो रुखसती होने वाली है। अगर ये रुखसती होगी ना आपके इधर इस रुखसती के बाद एक और रुखसती होगी वो भी इस दुनिया से मतलब ये कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। श्योर लेकिन कम से कम वो एक मैं नहीं। अगर आप लोग ऊपर से गुफ्तगू वो खत्म होगी तो डिजेंट्री मार दे। आइए साले साहब कहिए। ड्राइंग रूम के अंदर घड़ों में तुम्हारे बहुत अहम इजलास चल रहा है तो उसके निर्णय हो गया है कि ईद के चांद में रुसती की तारीख तय पा गई। मुबारक हो। शादी का जो तारीख सोच रखा है हमको बता दे हम भी आ जाएंगे मेहमानों की तरह। ठीक है तुम भी आना बट मेहमानों की तरह। क्या कर रहे हैं पूछ तो नहीं है तभी तो सुकून से बात करिए करें। क्या ख्याल है मासूमा ईद का दूसरा दिन रख लें? हाँ तुम लोग जो भी मौके ले चलो फैसला हो गया। हाँ ईद के दिन होगी मेहंदी अगले दिन बारात और उसके आगे वलीमा। मुबारक हो सब लोगों को है पहले सलाह सबको तो अच्छे तरीके से हो जाए मिठाई लेकर आती हूँ सबका मुंह मीठा कर आती हूँ। गुलाब जामुन हम लोग अरे हाय क्या भी बना लेना। जी बीजान क्या हो गया हद करते हो आप लोग शादी नहीं हो जिया की और आप लोग उनसे पूछना नहीं करें। अरे हाय क्या हो गया तरीक पक्की कर दिया आपको कोई मसला है? तुम दोनों मसले में शादी वो जगह से पूछो मुँह से आग निकालती रहती है। टाइम नहीं मेरे को तू ऐसा कर ये दे उठा कर वो मैं कॉलिंग कर कॉलिंग वो मैं जब ना खाओ वो रुको हमारी रुखसती का फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? बोला मुझे जाकर साफ साफ बात करनी चाहिए। आखिर मेरी और अरसल की पूरी जिंदगी का सवाल है। सही बात है। यार क्या है देख ही नहीं जा सकते हो आंखें ये टिच बटन आंखें तो मेरी अब खुली है। ज्यादा बोलो नहीं वैसे मुझे बहुत आग लगी हुई है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। मुझे ऐसे लॉन्ग की तरह घूर घूर के मत देखो। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया। फैसला। मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। और हो गए तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा यार, बहुत भारी भारी कैरेक्टर्स है यार, अभी सबके नाम याद करने को टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इन काफी फेमिलियर फेसेस है इसमें। हाँ, दो सीरीज देखा है, परिजात देखा है और एक इनका सफर, तो उसमें से काफी बंदे इसमें भी है ऑफ कोर्स, पर ये दोनों चुप ही नहीं बैठते हुए। बट एक्चुअली नहीं, ये भी सही है कि शादी हो गई तो आगे कैसे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है यार। लेकिन ये मेरे को बंदी आई है नहीं, वो थोड़ी गड़बड़ है, मतलब उसको पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो थोड़ी हैप्पी नहीं थी वो टाइम, और अभी भी देखा थोड़ा वो है ना, किसी का पिक भी देख रही थी लैपटॉप पे। हाँ बराबर, तो वो नहीं पता कि अभी किसी का पिक है क्या है, क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर भाई इनका जीजा तो बहुत टेंशन है, सामान भी सारा चला गया सामान। हाँ सीधी सी बात है, सब कुछ ब्रेकिंग है भाई, बहुत ब्रेकिंग में सारा छोटे हो गई यार। वो क्यूट है लाइक, हाँ छोटे सारे सामान बहुत डेंजर है भाई, पूरे घर की खबर रहती है उसको, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। जी जी जी, अब तो शुरुआत आगे देखते हैं गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।